everyone, welcome back to my YouTube channel. तो मैं हूँ वन्ना. तो guys, अभी तो फिलहाल हम lockdown की वजह से घर में ही है, but जब ये lockdown खत्म होगा हम घर के बाहर जाएंगे तो obviously गर्मी के कारण हमारी स्किन काफी ज्यादा खराब होने लगेगी और ऊपर से सनटेन के कारण स्किन जो होती है ना वो धीरे धीरे करके ब्लैक तो पड़ने ही लगती है, बट छोटी उम्र में ही आपकी स्किन के ऊपर काफी सारी यू नो एजिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस आपके आंखों की आसपास हो जाते हैं, आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. गाइस, जो पिगमेंटेशन होता है वो क्या होता है कि हमारे स्किन के ऊपर जब मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो हमें पिगमेंटेशन ऐसी बहुत सारी यू नो जिद्दी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और गर्मियों में स्किन अक्सर हमारी डैमेज जल्दी हो जाती है. तो ऐसे में आपको एक सिंपल वाली लॉकडाउन के पीरियड में घर में जो चीजें मिलती है ना उसी से आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा पिक बताने वाली हूँ ना. आई थिंक आपको ये 100% काम आएगा और साथ ही साथ गाइज ये फेस पिक आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको इम्प्रूव करने का एक बहुत ही अच्छा काम करेगा. जितनी आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी होगी उतनी आपकी स्किन काफी ज्यादा फ्लॉलेस और यंग दिखेगी. तो चलिए देर किस बात की, घर का बना होममेड फेस पैक कैसे बनाना है वो आपको जल्दी से बता देती हूँ. आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा. पसंद आए तो आप आपकी फ्रेंड्स के साथ ये सिंपल वाला वीडियो शेयर कर सकते हो. वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर मेरी आईडी मेंशन कर दिए. सो विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन की सिचुएशन में हमें घर में से जो भी चीजें मिलती है ना उसी से ही हमारी स्किन की देखभाल करनी पड़ती है, हमारी स्किन को पैम्पर करना पड़ता है. तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जितना गेहूं का आटा यानी व्हीट फ्लार लिया है. हम सबके घर में ये होता ही है. आपको इसके ब्यूटी बेनिफिट्स नहीं पता होंगे गाइस. जब आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है स्पेशली समर में तो आपकी स्किन को फिर से रिपेयर करने का एक बहुत ही अच्छा काम करता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, साथ ही साथ विटामिन ई का एक बहुत ही अच्छा ये स्रोत है. तो विटामिन ई क्या करता है मैंने आपको बहुत बार बताया है कि विटामिन ई हमारी डैमेज हुई स्किन को रिपेयर करने का काम करता है. जिनको डायरेक्टली विटामिन ई की कैप्सूल सूट नहीं करती है तो आप ये गेहूं के आटे का फेस पैक लगा सकते हो. आज का फेस पैक अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशन ऑयली या ड्राई कोई भी प्रकार की स्किन है ना तो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी स्किन प्रकार को ध्यान में रखकर ये फेस पैक आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है 1 टेबलस्पून जितना. नेक्स्ट हमें इसमें मिलाना है लेमन जेस्ट. बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती है या तो लेडीज ऐसे होते हैं जिनको लेमन बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है या तो रेड हो जाती है हमारी स्किन. तो ऐसे में आपको लेमन का जो जेस्ट ऊपर वाली जो स्किन की लेमन की जो परत होती है वो हमें यहाँ पर लेनी है. ग्रेटर की मदद से आप ग्रेट कर लीजिए, लेमन जेस्ट यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा. आपको व्हाइट कलर की जो स्किन होती है वो नहीं लेनी, जस्ट यहाँ पर येलो कलर की लेनी है. तो यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून जितनी ली है तो मैं यहाँ पर ये मिक्स कर दूंगी. ओके, थर्ड हमें यहाँ पर जो चीज लेनी है वो है 1 टेबलस्पून जितना पोटेटो जूस. जब आपको यू नो मार्केट के कोई भी ब्लीच सूट नहीं करते तब आप ये आलू का जूस ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा होता है. मैंने यहाँ पर आलू को छीलकर ग्रेट करके इसका जूस निकाल लिया है. अब देख सकते हो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जितना ले रही हूँ. और आपको अगर चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हो गया है, तो आलू का जूस आपकी स्किन को अच्छे से यू नो जो दाग धब्बे होते हैं उसको लाइटन करने का काम करता है. और लास्ट में हमें यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना रोज वाटर मिलाना है. अगर आपको रोज वाटर सूट नहीं करता है या तो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दूध भी मिला सकते हो. तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जितना मिला रही हूँ और बस आपको ये चारों चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक फेस पैक रेडी कर लेना है. तो एज यू कैन सी गाइस कि हमारा यहाँ पर गेहूं के आटे का फेस पैक रेडी हो चुका है. आपने नोटिस किया होगा कि जो गेहूं का आटा होता है काफी ज्यादा चिकना होता है, चिपचिपा होता है, तो इससे हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो काफी इंप्रूव होती है. साथ ही साथ गेहूं हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टर, एक बैरियर की तरह काम करता है. यानी जब भी आप धूप में बाहर जाते हो तो स्किन की ऊपर की जो परत होती है बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, भले ही आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो भी. तो उस वक्त अगर आप हफ्ते में इस तरीके का पैक एक या दो बार लगाओगे तो जो भी आपकी स्किन डैमेज हुई होगी उसको रिपेयर करने में एक प्रोटेक्टर की तरह काम करेगा, एक बैरियर की तरह काम करेगा. इसमें विटामिन ई होता है तो आपकी स्किन को यू नो एकदम स्मूथ बनाने में, साथ ही साथ आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करने में ये हेल्प करेगा. सनटेन को निकालना है अगर आपको
और मार्केट में बहुत केमिकल वाले आपको कई तरह के पैक मिलेंगे, वो आपको सूट नहीं करते, तो आप इस तरीके का गेहूं के आटे का फेस पैक लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्लीन फेस के ऊपर ये फेस पैक ऑल ओवर अप्लाई कर लेना है। आप आपकी अंडर आई एरिया पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो और नेक के एरिया पर भी लगा सकते हो। ये फेस पैक इतना माइल्ड है कि आपकी स्किन के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होगी। और इसमें हमने लेमन जेस्ट ऐड किया है, तो लेमन जेस्ट से क्या होगा कि एक तो हमारी स्किन के ऊपर स्क्रब का काम भी हो जाएगा, और स्क्रब की वजह से आपकी जो स्किन की ऊपर की परत पर जो डेड स्किन होती है उसको निकालने का एक ईजी काम हो जाएगा। ऊपर की परत पर जो टेनिंग होती है या तो पिगमेंटेशन होती है, जिद्दी झाइयाँ होती है, उसको अगर आप ये पैक कंटिन्यूसली यूज़ करोगे हफ्ते में 2 से 3 बार, तो उसको लाइटन करने का एक बहुत ही अच्छा काम करेगा। साथ ही साथ जो यहाँ पर हमने आलू का जूस यूज़ किया है वो एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है, एक हमारे पोर्स को क्लीन करने का काम करता है, और हमारी स्किन के ऊपर जो टेक्सचर होता है उसको स्मूथ करके लाइटन करने का काम करता है। तो इस तरीके से आपको पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है और बस 8 से 10 मिनट तक इसको रखना है। ये बहुत ही जल्दी क्विकली ड्राई होता है, और ड्राई होने के बाद आपकी स्किन आपको काफ़ी ज़्यादा टाइट फील होने लगेगी। जब ये 100% ड्राई हो जाए तो बस आप नॉर्मल सादे पानी से आपका चेहरा धो लीजिए। जैसे ही आप आपके चेहरे को फर्स्ट टाइम धोगे ना, आप देखोगे तो आपकी स्किन के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो गेहूं का आटा यूज़ किया है वो आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट करने में, स्मूथ करने में और इलास्टिसिटी मेंटेन करने का काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, ये है हमारे गेहूं के आटे के फेस पैक का रिजल्ट। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके गेहूं के आटे का फेस पैक 8 या 10 मिनट के बाद ड्राई हो जाएगा ना, तो उसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप स्किन के ऊपर थोड़ा सा धीरज से काम लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी में फेस पैक निकालने की ट्राई मत कीजिए। थोड़ा सा आप उसको फिर से गीला करके निकाल लीजिए ताकि वो जल्दी निकल जाएगा। गेहूं का आटा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, आज से नहीं सालों से जब तक कि अलग अलग तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं थे तब पहले के ज़माने के लोग बेसन, गेहूं का आटा, मुल्तानी मिट्टी, इस तरीके के जो पाउडर अवेलेबल थे उस टाइम उसको ही यूज़ करते थे। तो आप डेफिनेटली ये गेहूं के आटे का फेस पैक ट्राई करना, हफ्ते में अगर आप 2 बार ट्राई करोगे ना तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जिन लोगों की काफ़ी ज़्यादा ढीली स्किन है या तो स्किन काफ़ी सनटेन के कारण डैमेज हो गई है, उसको रिपेयर करना है, या तो आपको स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा झाइयाँ की प्रॉब्लम है, पिगमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है फोरहेड नोज के ऊपर या तो यहाँ पर चिक्स के एरिया पर, तो आप ये इजी पीसी सा किचन में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो फेस पैक आप ये गेहूं के आटे का लगा सकते हो। आई होप कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप आपकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि ये लॉकडाउन के पीरियड में इसको भी ट्राई कर सके। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। टिल देन, बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।